लास्ट पार्ट में आपने देखा कि उस फ्लावर ने युहाओ को खाने के लिए एक हर्ब दिया होता है, जिसे खाकर युहाओ अपने आप को साबित कर सकता था कि वो तांगसन का डिसेंडेंट है या नहीं, जिसके बाद ही वो वांग क्वियर को भी बेहोश कर देता है, जिसके बाद ये उस हर्ब को खाने के लिए रेडी हो जाता है। वही इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वही से होती है, जहाँ स्काई ड्रीम कहता है, तुम तो सच में एक नंबर के स्टूपिड हो, और स्काई ड्रीम की आवाज को सुन के अचानक से युहाओ काफी चौंक जाता है और ये कहता है, ड्रीम ब्रदर, क्या तुम भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? तो स्काई ड्रीम मजे करते हुए कहता है, आखिर मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा, और इसके अलावा वैसे भी तुम्हारी बॉडी पहले ही लाइफ ऑफ गोल्ड के साथ फ्यूज हो चुकी है, तो मुझे इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि तुम किसी भी पोषण को लेने से मर सकते हो। तो युहाओ कहता है, क्या हो अगर पोषण काफी ज्यादा जहरीला हुआ तो? जिस पर स्काई ड्रीम कहता है, अगर ये जहरीला हुआ तो ये और भी ज्यादा बेहतर होगा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ब्रदर का ये जो सिल्क है वो कहाँ से आता है? और चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ कि इसके पास सबसे ग्रेटेस्ट एबिलिटी होती है सभी तरीके के पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने की, और अगर तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो तुम किसी भी तरीके के पॉइजन को दूर रख सकते हो, और यहाँ तक कि सिर्फ इसके अकेले सेंट से भी। और इन चीजों को सुनकर युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये काफी परेशान होते हुए वांग क्वियर की तरफ देखते हुए मन में कहता है, अरे भाई, तूने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, और इसे कैसा लगेगा जब होश में आने के बाद इसे इस बारे में पता चलेगा? तो स्काई ड्रीम हंसते हुए कहता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा ये ब्रदर सो रहा था। तो स्काई ड्रीम के आगे युहाओ हार मानते हुए कहता है, ठीक है, तुम जीत गए। और फिर ये आगे आके इस फ्लावर से कहता है, सीनियर प्लीज आप मुझे वो पोषण दे दीजिए, मैं अपनी इच्छा से आपकी इस टेस्ट को स्वीकार करना चाहता हूँ। और इस चीज को सुनकर ये फ्लावर भी काफी खुश हो जाती है और ये कहती है, ऐसा दिखता है कि तुम काफी ज्यादा साहसी हो, और चलो मुझे सोचने दो कि तुम्हें किस तरीके का पोषण देना चाहिए। और इस चीज को सुन के युहाओ मन में कहता है, क्या ये खुद भूल गई है कि ये कौन सा पोषण मुझे देने वाली थी? और फिर युहाओ इससे कहता है, क्या हुआ, क्या आपने इस चीज को पहले से डिसाइड नहीं कर रखा था? तो ये फ्लावर कहती है, मैंने काफी लंबे समय तक जिया है तो मेरी याददाश्त का तो खराब होना नॉर्मल सी बात है, और चलो मुझे देखने दो। और इतना कह के ये अपने अंदर से एक लाइट को युहाओ के ऊपर डालने लगती है और मन में कहती है, चलो मुझे तुम्हारी बॉडी की कंडीशन देखने दो, जिससे कि मैं तुम्हें एक काफी सूटेबल पोषण दे सकूं। जबकि इस तरफ युहाओ काफी ज्यादा चौंक गया होता है और युहाओ कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? और ये परेशान होते हुए मन में कहता है, इस प्रेशर से मैं बच के नहीं जा सकता हूँ। और फिर ये फ्लावर कहती है, जो मैं देखना चाहती थी वो मैंने देख लिया है और मैं तुम्हें ये दूंगी। तो युहाओ पूछता है, ये क्या है और इसे मैं कैसे खाऊंगा? जबकि इस तरफ ये फ्लावर काफी इविल तरीके से हंस रही होती है। और कुछ समय बाद वांग क्वियर को भी होश आ जाता है और ये कुछ दूरी पर युहाओ को चुपचाप बैठे हुए देखती है, तो ये कहती है, इडियट, तुम ये क्या कर रहे हो? और ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकाल लेती है और अपने स्पीयर की नोक पर इस फ्लावर को धमकाते हुए कहती है, आखिर तुमने इसे क्या दिया है? तो ये फ्लावर हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैंने इसे कोई खतरनाक चीज नहीं दी है, और अगर तुम चाहो तो मैं ये तुम्हें भी दे सकती हूँ। जबकि इस तरफ वांग क्वियर इसकी एक बात पर भी ध्यान नहीं देती और ये गुस्से से कहती है, अगर इसे कुछ भी होता है तो यहाँ तक कि अगर मुझे अपनी जिंदगी का भी बलिदान देना पड़े, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रहूंगी। तो ये फ्लावर कहती है, जो तुम कह रही हो, क्या उस चीज को लेकर तुम सच में पक्की हो? और मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। और इस फ्लावर की बात को सुनते ही वांग क्वियर अपनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को रिलीज करने लगती है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और क्योंकि वांग क्वियर ने गोल्डन ड्रैगन गॉड के प्राइड को इस्तेमाल किया होता है, जिस वजह से ही इसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी, और वांग क्वियर की इतनी ज्यादा पावर को देख के ये फ्लावर भी काफी घबरा जाती है और ये कहती है, आखिर तुम्हारे पास ये पावर कैसे हो सकती है, और आखिर तुम्हें अचानक से ये पावर कहाँ से मिल गई? जबकि इस तरफ वांग क्वियर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और ये इसे धमकाते हुए कहती है, चलो अब मुझे बताओ कि तुमने इसे क्या दिया है, और अगर इसे कुछ भी होता है या फिर ये मरता है, तो ध्यान रखना कि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि तुम मारी नहीं जाती हो। अब इतना कहकर ये अपनी पावर को इस फ्लावर के ऊपर रिलीज करने लगती है, तो ये फ्लावर काफी घबरा जाती है और ये कहती है, शांत हो जाओ, मैंने इसे कुछ भी जहरीला नहीं दिया है। और जैसे ही वांग क्वियर सुनती है कि इसने कोई भी जहरीली चीज युहाओ को नहीं दी है, तो ये शांत हो जाती है। जबकि इस तरफ ये फ्लावर भी राहत की सांस लेते हुए कहती है, हाँ, मैंने इस तरीके की बात इस तरीके से इसलिए कही थी क्योंकि इस रूल को उस बंदे के द्वारा सेट किया गया था,
और तो और यहाँ पे ज्यादा हर्ब्स भी नहीं बची है। और इस तरीके से वो इस चीज को सुनिश्चित करना चाहता था कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सिर्फ दूसरों को बचाने के इरादे से ही आए। और तो और इस तरीके से ये भी देखा जाता है कि लोगों के अंदर इस टेस्ट को देने का साहस है या नहीं। और ये काफी खुश होते हुए कहती है, और इसने उसे खा लिया है, और इसने ऐसा करके ये प्रूव कर दिया है कि ये सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकता है उस पर्सन के लिए जिसे ये बचाना चाहता है, और इसके साथ ही इसने मेरे अप्रूवल को हासिल कर लिया है। तो वांग क्वियर हैरान होते हुए कहती है, आखिर इसका क्या मतलब है? और फिर ये फ्लावर कहती है, उस पर्सन ने कहा था कि ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है, और अगर कोई पर्सन बिना किसी हिचकिचाहट के इस फ्रूट को खाने की हिम्मत करता है तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो पसंद एक अच्छा पर्सन है, और जो फ्रूट मैंने इसे दिया है वो एक तरीके की इमॉर्टल हर्ब ही है जो कि इसके लिए काफी ज्यादा सूटेबल भी है, और इसे तो उस चीज के लिए मुझे धन्यवाद भी करना चाहिए। और हाँ, तुम दोबारा कभी अपनी उस पावर को इस्तेमाल मत करना, और यहाँ तक कि वैसे शायद मैं उस पावर के खिलाफ तुम्हें मैं ना रोक पाऊँ, लेकिन तुम भी ये जान लो कि तुम भी डेफिनेटली मारी जाओगी, और अगर तुमने उसे इस्तेमाल किया तो। वांग क्वियर युहाओ की तरफ देखती हुए कहती है, मुझे इस चीज की जरा से भी परवाह नहीं है, और जब तक कि तुम उसे हर्ट नहीं करती हो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। जबकि इस तरफ साइड में युहाओ चुपचाप बैठ के उस हर्ब को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और ये परेशान होते हुए मन में कहता है, इस पोषण का जो असर है वो काफी तेजी से फैलना शुरू कर दिया है, और मैंने अपनी सोल पावर से एक डिफेंस लाइन बना दी है जिससे कि मैं इसे और भी ज्यादा फैलने से रोक सकूंगा। लेकिन जैसे ही ये पोषण वहाँ तक पहुँचता है तो युहाओ की जो डिफेंस लाइन होती है वो इससे भिड़ के चकनाचूर हो जाती है, और इस चीज को देख के युहाओ काफी हैरान होता है और कहता है, आखिर ये काम क्यों नहीं कर रही है? और तो इसने मेरी नसों में खून के साथ फैलना शुरू कर दिया है। जिसके बाद मैं करीब एक घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओ इस पोषण को रोकने की काफी मशक्कत कर रहा होता है, और ये परेशान होते हुए मन में कहता है, मैं करीब करीब अपनी लिमिट्स तक पहुँच गया हूँ, और अगर मैंने अपनी खून की नसों को बंद किया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने दिल को धड़कने से रोक रहा हूँ, और अगर मैं इस पोषण से भी नहीं मरता हूँ तो मैं निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी की वजह से जरूर मारा जाऊंगा। और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पोषण किस तरीके का है और आखिर क्यों इसे रोकना इतना ज्यादा मुश्किल है, और ऐसा लग रहा है कि अब मैं इसे और ज्यादा रोक नहीं सकता हूँ। और युहाओ देखता है कि ये पोषण काफी तेजी से इसके ब्रेन को लपेटे में ले रहा है, तो ये काफी हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, क्या इस पोषण को स्पेशली मेरे ब्रेन और स्पिरिचुअल आई को टारगेट करके उन्हें डैमेज करने के लिए डिजाइन किया गया है? और आखिर इस पॉइजन से अच्छा क्यों महसूस हो रहा है? और तो और मेरी आईज और मेरे ब्रेन को काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, जैसा कि पहले कभी नहीं लगा था, और अब मुझे लगने लगा है कि क्या ये सच में कोई पॉइजन ही है जो कि मेरे लिए काफी घातक है। और काफी देर तक ऐसे ही चुपचाप बैठे रहने के बाद युहाओ आखिरकार अपनी आंखों को खोलता है, जहां पे हमें दो न्यूक्लियस दिखते हैं, मतलब कि इसकी ये जो आईज होती हैं, ये अपग्रेड हो चुकी हैं, जिनकी मदद से ये आसपास की चीजों के अंदर सोल पावर को फ्लो होते हुए देख पा रहा होता है, और ये अपनी आई से उस फ्लावर को भी देखता है, और मन में कहता है, ये तो सच में काफी अमेजिंग है, और क्या मेरी ये जो स्पिरिचुअल आई है ये डोमेनिक पर्पल आई के अंदर इवॉल्व हो गई है, और पहले जो युहाओ की आंखें थी वो नॉर्मल वर्जन में थी, और बाद में इसकी आंखें जो अभी तक थी वो डिटेल वर्जन में थी, लेकिन अब इसकी आईज डीमोनिक वर्जन तक पहुंच गई है। जबकि स्पिरिचुअल सी के अंदर स्काईड्रीम कहता है, ऐसा दिखता है कि उस छोटे से प्लांट ने जो तुम्हें पोषण दिया था वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं था, उसे लेने के बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर उस लेवल तक पहुंच गई है जहां पर इसकी फॉर्म तो है लेकिन मैटर नहीं। और जब युहाओ सुनता है कि फॉर्म तो है लेकिन मैटर नहीं, तो ये थोड़ा हैरान होता है और मन में कहता है, आखिर स्काईड्रीम ब्रदर इससे क्या मतलब है? तो स्काईड्रीम कहता है, जिस लेवल तक तुम पहुंच गए हो उसे इटेरियन एम्बोडेड स्पिरिचुअल लेवल के नाम से भी जाना जाता है, और करीब करीब 95 से 99 लेवल पर स्पिरिचुअल कल्टिवेटर्स रुक जाते हैं और इसके आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, और पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें इस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 10 साल लगेंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ एक पोषण को ही खाने के बाद तुम तुरंत ही इसे अचीव कर लोगे, और इसका जो अगला रियल्म है उसे तुम्हें ब्रेक थ्रू करना ही होगा, जिसे स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन के रियल्म के रूप में भी जाना जाता है। और अगर तुम इस रियल्म तक पहुंच जाते हो तो इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि तुम्हारे मुकाबले का होगा। और इस चीज को सुन के युहाओ काफी खुश होते हुए मन में कहता है, ये तो सच में काफी अमेजिंग है और मैं सच में इसका काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसका अगला पार्ट कल शाम 8 बजे आ जाएगा।
तो रेडी रहना तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर।